बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरबिया से लाइव हूँ मैं। आईफोन 13 सीरीज के मतलब आपको अपडेट देता हूँ भाई। इस तरफ मेरे जरीर है और इस तरफ एक्स्ट्रा स्टोर है, यानी कि मैं जरीर स्टोर और एक्स्ट्रा स्टोर के इस वक्त दरमियान में बैठकर आपके साथ न्यूज शेयर कर रहा हूँ। क्यों भाई? प्री ऑर्डर शुरू हो चुका है जी। आप एक्स्ट्रा में यहाँ पर आपको पिक्चर भी मैं दिखानी अभी शुरू कर चुका हूँ। एक्स्ट्रा या जरीर में अभी इस चीज़ का, यानी कि जैन एस टी सी वगैरह, लोलो मार्केट, हैपर पैंडा वगैरह में इस चीज़ का भाई, यानी कि आईफोन 13 सीरीज का प्री ऑर्डर चल रहा है। यानी कि 17 सितंबर से ये शुरू हो चुका है। आप इसे पहले ऑर्डर कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी लेना चाहते हैं, आईफोन 13 मिनी वगैरह, आईफोन 13 प्रो मैक्स है स्टोरेज के लिहाज से। अच्छा, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप भाई को इसके मुकम्मल प्राइस यानी कि डिटेल के साथ इसके प्राइस जो आ चुके हैं मार्केट में वो भी शेयर करूंगा, और उसके अलावा इस सीरीज के मतलब थोड़ी डिस्कस करेंगे। क्या 12 सीरीज जो बंदा यूज कर रहा है उसको इसमें यानी कि आना चाहिए, अपडेट अपना मोबाइल करना चाहिए या 12 यही यूज करना चाहिए, और अपडेट करना चाहिए तो क्यों यूज अपडेट करना चाहिए, तमाम डिटेल आप भाई के साथ इसी वीडियो में। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको इस सीरीज के मतलब आईफोन 13 सीरीज के मतलब बता दूं भाई। आप देख रहे आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको चलाकर दिखाने भी शुरू कर चुका हूं। इसमें भाई 4 मॉडल लॉन्च कर किए जा चुके हैं, जिनमें आईफोन 13 मिनी है जी, आईफोन 13 है, आईफोन 13 प्रो है और आईफोन 13 प्रो मैक्स है। यानी कि वही 12 सीरीज वाली भाई, यानी कि आईफोन 12 में जैसे 4 मॉडल लॉन्च किए गए थे, इसमें भी 4 मॉडल ही लॉन्च किए गए हैं। लेकिन इसमें एक चीज कमाल की रखी गई है, इसका कैमरा डिजाइन चेंज किया गया है, आईफोन मिनी का, आईफोन 13 का और आईफोन 13 प्रो में। सिंपल सी बात है, 3 कैमरे आ जाएंगे तो वही पुराना मॉडल रहेगा। आईफोन मिनी में, आईफोन 13 में आपको पिंक कलर भी मिल जाएगा। और अगर बात करें इनका डिस्प्ले के मुताबिक, आईफोन 13 मिनी 5.4 इंच का है और आईफोन भाई जो 13 है वो 6.1 इंच का आपको मिलेगा। इसके अलावा इस चीज को अपने जहन में रखिएगा, ऊपर वाली नॉच जो है यानी कि स्पीकर ग्रिलिंग और सेल्फी कैमरे वाली जगह भाई, इसको मजीद कम कर दिया गया है, यानी कि आपको डिस्प्ले में मजीद बेहतरी मिलेगी। इसमें कैमरों का डिजाइन मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, पिंक कलर में ये काफी फेमस है, यानी कि आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 ये दोनों भाई, इन दोनों में आपको पिंक कलर, लाइट पिंक कलर भी मिलेगा, जो कि एक अच्छी लुक दे रखा है। यहां पर आपको आईफोन 13 मिनी में व्हाइट भी मिल जाएगा, हालांकि आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स में भाई आपको लाइट ब्लू कलर मिल रहा है, पहले आपको ब्लू कलर मिल रहा था। ऐसा इस सीरीज की एक सबसे बेहतरीन जो इसमें रखी गई है जी, आपको यहां पर मैं क्लियर कर दूं ये चीज, बेहतरीन किस्म की इसमें आपको मैं ये बता रहा हूं कि इसमें आपको सिनेमिक मोड मिल जाएगा। यानी कि सिनेमिक मोड से ये भाई ये मुराद है कि आप कैमरे वाली फीलिंग यूज करेंगे, फिल्मों वाली फीलिंग यूज करेंगे। यानी कि अगर आप एक चीज के ऊपर देख रखे हैं, इस मोबाइल से आप वीडियो बना रखे हैं, आप एक चीज के ऊपर भाई फोकस किया हुआ है आपने, आप उस चीज से हटकर दूसरी तरफ कैमरा लेकर जाते हैं तो कैमरा भाई पहले वाली चीज को छोड़कर दूसरी चीज को उसी टाइम फोकस करेगा। इसको पोर्ट्रेट मोड भी कहते हैं, जो कि पहले हम बहुत से मोबाइल में देख चुके हैं, लेकिन इस मोबाइल में भाई ये अपडेट हो कैमरों के लिहाज से। वाइड एंगल में भी, वाइड एंगल जो कैमरा है, यानी कि आपको आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में भाई वाइड एंगल कैमरे भी मिलेंगे, तो उसमें भाई बहुत ज्यादा चेंजिंग की गई है। यानी कि आप अगर आईफोन 12 सीरीज से 13 सीरीज में आना चाहते हैं तो उसके मुतल्लक ये भाई सबसे लेटेस्ट, सबसे गुड न्यूज यही है कि आपको कैमरों के लिहाज से ये चीज बहुत बेस्ट मिलने वाली है। इससे आगे अगर बात कर लेते हैं तो आपको यहां पर नाइट मूड की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर नाइट मूड भी आपको एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी इसमें भी, यानी कि आईफोन 12 सीरीज की निस्बत। आपको मैं इस चीज से एक चीज से और आगाह करता चलूं इसके प्राइस के मुतल्लक, जो प्राइस अभी मैं आपको आगे वीडियो में अपडेट कर देता हूं ना भाई, वो प्राइस इसके आईफोन की तरफ से कन्फर्म है, लेकिन आप जिस कंट्री में बैठे हुए हैं उस कंट्री के जो टैक्स वगैरह हैं वो इसके अलहदा ऊपर लगेंगे, ये अपने जहन में रखिएगा। अगर प्राइस की बात करें तो यहां पर आपको कुछ मैं पिक्चर वगैरह इसके दिखा रहा हूं, इनके पिक्चर वगैरह के मूड वगैरह आपको दिखा रखा हूं, आप देख रहे हैं। यानी कि अगर कैमरे के मूड की बात करें तो आपको यहां पर देख रहे होगा ये टून एंड वार्म्थ, आप कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं अपनी पिक्चर या वीडियो बनाने के लिए। कैमरों में भाई आईफोन 13 सीरीज में बहुत ही अच्छी किस्म की अपडेट की गई हैं। आप आईफोन 12 सीरीज से भाई आईफोन 13 सीरीज में आना चाहते हैं, इनमें से कोई भी अगर आप मोबाइल लेना चाहते हैं, आप आईफोन 13 मिनी की अगर बात करें तो भाई उसमें भी अभी 128 GB गैप कर दी गई है, 128 GB, 256 और 512 GB मिलेगी। अगर आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स की बात करें तो भाई उसमें आप 128, 256,
512 और 1 TB की स्टोरेज भी मिलेगी, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी भाई आईफोन 12 की निस्बत काफी ज्यादा अच्छी कर दी गई है। आपको भी मैं आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 के मुतालिक थोड़ी बताता हूँ, इनके मुतालिक जो इनकी भाई अपडेट आ रही है अभी तक की सामने, यानी कि इन मोबाइल्स में क्या कुछ रखा गया है। जिनमें आईफोन 13 मिनी है जी, डिस्प्ले 5.4 इंच का रखा गया। सेल्फी कैमरे की बात करें तो आपको 12 मेगापिक्सल का मिलेगा। 3D HDR 184K वीडियो आप उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो आपको 12 मेगापिक्सल का मिलेगा, 12-12 मेगापिक्सल के, यानी कि दो कैमरे मिलेंगे, एक मेन कैमरा और एक अल्ट्रा वाइड। उसके अलावा 184K स्टीरियो साउंड के साथ आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो आपको 128GB 4GB रैम के साथ, 256GB 4GB रैम के साथ, 512GB और 2 4GB रैम के साथ 20 वाट का फास्ट चार्जर भी आपको साथ में मिलेगा। अगर आईफोन 13 प्रो मैक्स की बात करें भाई, तो इसमें डिस्प्ले आपको मिलेगा 6.7 इंच का। सेल्फी कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का, 3D HDR 180+4K वीडियो आप उससे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरे के मुतालिक अगर मेन कैमरा जो बैक कैमरा है उसके मुतालिक बात करें तो आपको 12-12 मेगापिक्सल के तीनों कैमरे मिलेंगे, 180+4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे, टेलीफोटो 3x ऑप्टिकल जूमिंग के साथ एंड अल्ट्रा वाइड के साथ। स्टोरेज की बात करें तो आपको 128 भाई आईफोन 13 प्रो मैक्स में भी मिल जाएगी, 6GB रैम के साथ, 256GB 6GB रैम के साथ, 512GB 6GB रैम के साथ और 1TB की स्टोरेज, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इसमें आप रखी गई है। फास्ट चार्जर की बात करें तो आपको इसमें भी 20 वाट का ही फास्ट चार्जर मिलेगा। अगर अप टू अगर हॉर्स की बात करें, यानी कि आप आईफोन की बैटरी के मुतालिक पूछ रहे हैं, अगर आप ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको भाई 28 हॉर्स से लेकर मल्टीमीडिया 95 हॉर्स तक ये काम कर सकती है, यानी कि 28 घंटों से लेकर 28 घंटे आप इसको मल्टीमीडिया के तौर पर यूज भी करते हैं तो 28 घंटे तो ये मिनिमम चलेगी और मैक्सिमम 95 और भी चल सकती है, यानी कि बैटरी की कैपेसिटी भी मजीद अच्छी कर दी गई है। तो अभी बात कर लेते हैं इनके प्राइस के मुतालिक। तो भाई प्राइस इसके मुतालिक आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आईफोन 13 मिनी की बात करें तो आपको $700 में, अभी इसके प्राइस जो आ रखे हैं सामने ये कंफर्म है $700 में। अगर आप पाकिस्तान में, यानी कि मैं आपको पाकिस्तान से मुतालिक भी अपडेट करता हूं, तो अगर आईफोन 13 की बात करें तो आपको $800 में, अगर आईफोन 13 प्रो की बात करें तो आपको $1000 में, और अगर आईफोन 13 प्रो मैक्स की भाई बात करें तो वो आपको $1100 में मिलेगा। iPhone 13 Pro Max $1100, ये इनका स्टार्ट प्राइस है, यानी कि 128GB की बात कर रहा हूं मैं। अगर iPhone 13 Pro Max आप लेते हैं भाई तो 128GB वाला आपको ₹1100 में मिलेगा। अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त इसके प्राइस जो सामने आ रखे हैं वो भाई 2,20,000 है। इसके अलावा 47, यानी कि इस चीज से अंदाजा करें कि 47,000 आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें वैट, जो PTA से आप अपना मोबाइल प्रूफ करवाते हैं उस चीज को, यानी कि अगर इन तमाम चीजों का हिसाब लगाएं तो आपको 2,70,000 में आईफोन 13 प्रो मैक्स पड़ेगा जी पाकिस्तान में। और अगर आप इसकी एक्सेसरी वगैरह अलग से खरीदेंगे तो 3,00,000 कन्फर्म बात है जी। तो ये डिटेल अभी तक की सामने आ रखी है, प्री ऑर्डर शुरू हो चुका है 24 सितंबर को ये भाई मार्केट में लॉन्च हो चुके होने वाले हैं। मैं आप भाइयों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ये आपको लाइव भी दिखाऊंगा, यानी कि आपको आईफोन 13 मिनी 13 और 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स ये आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में लाइव भी दिखाऊंगा, और इनके प्राइस जो सऊदी अरेबिया में होंगे वो भी आपके साथ अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।